गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक बेटा अपन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो मेजर पोर्शन था वो पढ़ लिया है, और मेजर पोर्शन में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने आरहेनियस इक्वेशन के बारे में देखा था। ठीक है, आरहेनियस इक्वेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी अपन ने कल लिख लिए थे। अब अपने को आज क्या करना है, आरहेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो, सबसे पहले आज की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर एक तो न्यूमेरिकल्स तो एक्स्ट्रा है, वो तो अपन करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में इस चैप्टर के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट और कोलिजन थ्योरी, ये दो पॉइंट देखेंगे। ये जो कोलिजन थ्योरी है ये तो पूरा का पूरा आरहेनियस फैक्टर से रिलेटेड है, आरहेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। आरहेनियस इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करती थी, टेम्परेचर का इफेक्ट बताती थी किस पर, रेट कॉन्स्टेंट पर। और प्रीवियस क्लास में अपन ने ये चेक कर लिया था कि किस कारण से, प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या चेक किया था कि किस कारण से या किस फैक्टर से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। उसके लिए अपन ने इक्वेशन लिखी थी और इक्वेशन के थ्रू प्रूव किया था कि क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आज पहले तो अपन जो कल के न्यूमेरिकल्स थे उनके बारे में बात करेंगे और एक दो पॉइंट्स और देखने वाले हैं। तो देखो, एक तो कल अपन ने 7 नोट लिख लिए थे और अपना जो 7वां नोट था उसके अंदर अपन ने लिखा था रिगार्डिंग टेम्परेचर कोफिशियंट। टेम्परेचर कोफिशियंट के बारे में अपन ने क्या बताया था कि टेम्परेचर कोफिशियंट बेसिकली क्या होता है, दो टेम्परेचर का रेशो होता है। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है छोटी सी, ये क्या कि अगर आपको टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू गिवन नहीं है, इफ टेम्परेचर कोफिशियंट इज नॉट गिवन देन इट इज 2। अगर टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू अपने को नहीं बताई जाएगी तो ये वैल्यू अपने को कितनी लेनी है, 2 लेनी है। यूजुअली तो बताएगा, या तो बताएगा या फिर किसी तरीके से निकलवाएगा, लेकिन अगर दोनों ही काम नहीं कर रखे, पूछा हुआ है मजबूरी में, तो आपको कितना बताना पड़ेगा, टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो अब देखो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1। आपको यह बोल दिया गया इन ए रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 243 टाइम्स। फाइंड इफेक्ट ऑन रेट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब पहले तो आपको क्या बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर कि रिएक्शन की रेट पर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि रेट कितनी हो रही है, 243 टाइम्स हो रही है। और बाद में बोला कि अगर उस टेम्परेचर रेंज को अपन चेंज कर देते हैं तो बताओ कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, 1/8 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, पहली बात तो ये कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट तो बढ़ेगी, यानी आपका जो भी आंसर है रेट का इफेक्ट, वो ऐसा नहीं हो सकता कि रेट हाफ हो गई या रेट 1/8 हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है, तो रेट तो बढ़ने वाली है, अब कितना बढ़ेगी वो चेक करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको काम में लेकर के चलते हैं अपन। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या बता रही है कि आपने जब टेम्परेचर को 20 से 70 किया तब रेट कितनी हो गई बेटा, 243 टाइम्स हो गई। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट वाला रेशियो अप्लाई करते हैं। आर कितने पर, 70 पर, अपॉन आर 20 पर। आप चाहो तो इसी को क्या बोल सकते हो, के 70 अपॉन के 20, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहे, कंसंट्रेशन वगैरह का वेरिएशन नहीं देख रहे। कंसंट्रेशन को अपन ने साइड में रख दिया है, अपन वेरिएशन केवल किसका देख रहे हैं, टेम्परेचर का। कंसंट्रेशन पर वेरिएशन इसलिए नहीं देखा जा रहा क्योंकि बेटा बेसिकली वो क्या होती है, एक्टिव मास होती है। तो एक्टिव मास का कंसेप्ट मान करके अपन ने उसको अलग कर दिया, भाई एक्टिव मास है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको हटा दो। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गई, के, कंसंट्रेशन हट गई, वो कॉन्स्टेंट थी। इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू की पावर में टी टू माइनस टी वन,
T2 - T1 यानी 70 - 20, और इस रेशियो को डिवाइड किससे करना पड़ता था, इस डिफरेंस को किससे डिवाइड करना पड़ता था, 10 से डिवाइड करना पड़ता था, करेक्ट है। यहां क्या लिखेंगे, ये जो रेट है ये कितने टाइम्स हो गई, 243 टाइम्स हो गई है, सही है। और इधर म्यू की पावर में क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। क्या 243 को 3 की पावर 5 बोला जा सकता है क्या, 243 को क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 कितना, 27, उसका थ्राइस करोगे तो 81, उसका थ्राइस करोगे तो कितना, 243 आ जाएगा। तो कंपेयर करके मुझे क्या मिल गया, कंपेयर करके मुझे म्यू मिल गया कितना, 3। अब एक तो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि म्यू जनरली 2 से 3 के बीच में होता है, और आज की क्लास में क्या बोला कि अगर म्यू गिवन नहीं होता तो अपन उसको कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। लेकिन बेटा यहां गिवन तो नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन थी जिससे आप म्यू को कैलकुलेट कर सको। तो आपने पहले क्या किया, आपने म्यू को कैलकुलेट कर लिया, और म्यू कितना हो गया अपने पास में, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए म्यू की वैल्यू मिल गई है, अब बात करेंगे कौन से टेम्परेचर रेंज की, 30 से 60 वाले की। तो रेट 60 पर अपॉन रेट 30 पर, ये हो गई K60 अपॉन K30। तो म्यू की पावर में 3 लग जाएगा ना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 30 का। तो मैंने पावर में वो 30/10 करके 3 लिखता, उसी जगह सीधे 3 लिख दिया। यहां से म्यू अपने को पता है ऑलरेडी कितना था, 3, ये लिखा हुआ अपन है म्यू कितना है, 3। तो 3 की पावर में 3 का मतलब कितना, 27, यानी जो रेट है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 27 टाइम्स हो जाएगी। रेट बिकम्स 27 टाइम्स, कब, जब आप टेम्परेचर को 30 से कितना कर दोगे, 60 कर दोगे, क्लियर है। ये अपने पास में एक क्वेश्चन हो गया जिसमें अपन ने टेम्परेचर कोफिशिएंट का कंसेप्ट देख लिया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूं बताया गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन इज 9 kcal/mol। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 9 kcal/mol है। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेट व्हेन, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेट, या तो रेट या रेट कॉन्स्टेंट, फिर से, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 300 Kelvin to 310 Kelvin। टेम्परेचर को अपन कहां से कहां लेकर के चले गए बेटा, 300 से 310 केल्विन पर लेकर के चले गए। अब देखो वैसे तो कहने को तो राइज कितने का है बेटा, 10 का है, राइज कितने का है, 10 का, और रेट जनरली कितनी होती थी, 2 to 3 टाइम्स होती थी। लेकिन क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपको प्रोवाइडेड है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता होती है उस कंडीशन में आपको फिर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं अपन इसको, भाई क्या होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी पता है मेरे को, और मेरे को आरएनएस इक्वेशन पता है। आरएनएस इक्वेशन को जब मैंने इंटीग्रेट किया था, या ये मान लो दो इक्वेशन बनाकर के सॉल्व किया था, वैसे तो इंटीग्रेट करके भी आंसर निकल जाता है, लेकिन जब अपन ने दो इक्वेशन बनाकर के सॉल्व किया, तो ln K2/K1 ये वैल्यू क्या निकल करके आ गई थी, EA/R T2 - T1/T1T2 ये निकल करके आ गई थी। अब अपना काम क्या है, अपने को इसमें वैल्यूज को पुट करना है। जब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएगी, ln K2/K1। देखो सबसे पहली बात तो यहां पर या तो इसको K2/K1 रहने दो, नहीं तो बेटा जब राइज 10 का होता है ना, जब राइज किसका होता है, 10 का, तब आप इसे म्यू भी बोल सकते हो। जब राइज 10 का होता है तो आप इसे म्यू भी बोल सकते हो, बताओ सही बात है क्या। 10 डिग्री सेल्सियस पर राइज, अपन ने क्या पढ़ी थी, टेम्परेचर कोफिशियंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट जितने टाइम्स बन जाती है उसको म्यू बोला जा सकता है। तो अगर T2 - T1 10 होता है तो ये K2/K1 है ना, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, म्यू बोल सकते हैं। ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए बता दिया, कई बार क्वेश्चंस में काम में आ जाता है। तो अपन क्या बोल देंगे, अगर
T2 माइनस T1 10 है, तो K2 बाय K1 या R2 बाय R1 किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के। और यहां से भी चेक कर सकते हो कैसे, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना बताया मैंने 10 है, तो म्यू के पावर में कितना आएगा 1, 10 बाय 10, करेक्ट है? यानी ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। चलो वापस एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। LN K2 बाय K1 एक बार तो चलने देते हैं, या चाहो तो लॉग का बेस चेंज कर लो। इसका बेस चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log K2 बाय K1। इधर एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कितनी है, 9 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी है तो क्या होगा, 10 की पावर 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2.303। ये मैं कहां से लेकर के आ गया, एलएन को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। और जब कैलोरी की बात करते हो आप, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आप किसकी बात करते हो, कैलोरी की बात करते हो, तो कैलोरी के अंदर आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी पर मोल केल्विन, और कैलोरी पर मोल केल्विन के अंदर आर की वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहां पर वैल्यू ऑफ आर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब T2 माइनस T1 कितना, 10, और नीचे कितना चल रहा है बेटा, 300 × 310, T1 × T2। क्या क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो देखो, ये 10 की पावर 3 से ये गया, 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ऊपर कितना है, 30, नीचे कितना बचा, 31, और साथ में क्या है, 2.303, एक 2 और है देखो अभी ऊपर अपने पास में। तो यहां पर log K2 by K1 की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है, 30 तो ऊपर है, नीचे कितना है, 4.6, और साथ में कितना बचा है, 31 बचा है, साथ में कितना बचा है, 31 बचा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में K2 by K1 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी बेटा 1.67। अप्रोक्सीमेटली K2 by K1 की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 1.67 निकल करके आ जाएगी। अब K2 by K1 अगर 1.67 आ गया तो आपको क्या पूछा था, परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, किसमें, रेट में। रेट के अंदर परसेंटेज इंक्रीज आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे लिखोगे आप, आप बोलोगे परसेंटेज इंक्रीज इन के K2 माइनस K1, और ये इंक्रीज किस में हुआ, K1 में, मल्टीप्लाइड बाय 100, तब जाकर के क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। K2 कितना है, 1.67 टाइम्स ऑफ K1 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1 इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो राइज कितना आ गया बेटा, 67% का इंक्रीज निकल करके आ गया। लॉग के अंदर करें तो अप्रोक्सीमेट करोगे तो भी चल जाएगा, अगर किसी का 62% 60% आता है तो भी करेक्ट है, क्योंकि या तो वो लॉग की वैल्यू खुद अपने को प्रोवाइड कर दे, और अगर वो वैल्यू खुद प्रोवाइड नहीं करता है तो फिर अपने पास में और कोई तरीका नहीं होता इसको सॉल्व करने का, अपन इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते। क्लियर है, ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। अब अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है आपको, फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस K1 equals to 10 की पावर 12 e की पावर -1000/t एंड K2 equals to 10 की पावर 13 e की पावर -2000/t। दो अलग अलग रिएक्शन है, उनके लिए K1 और K2 बता दिया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कंसंट्रेशन भी नहीं बता रहा है, और कुछ भी नहीं बता रहा है आपको। आपसे पूछा गया फाइंड द टेम्परेचर एट विच बोथ हैव सेम रेट। आपको क्या करना है, आपको वो टेम्परेचर बताना है जब दोनों की रेट है वो क्या हो जाएगी बेटा, आइडेंटिकल हो जाएगी। ये आपसे पूछा गया। अब देखो, रेट आइडेंटिकल करनी है, इसका मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट आइडेंटिकल करूंगा मैं, क्योंकि कंसंट्रेशन के बारे में या रिएक्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को खुद को भी अज्यूम करना आना चाहिए कि यार क्या होना चाहिए। तो क्या करें, यहां पर K1 पता है, K2 पता है,
अपन बोल देंगे यहां पर फॉर, ये सॉल्यूशन है भाई, फॉर रेट टू बी इक्वल के वन इक्वल टू के टू, 10^12 e की पावर -1000 बाय टी इक्वल्स टू 10^13 e की पावर -2000 बाय टी। 10^12 से तो ये 13 कैंसिल आउट हो गया, इसको नीचे लाकर के ऊपर लेकर के आओगे तो ये बचेगा e की पावर 2000 -1000 बाय टी, इधर बचेगा कितना 10, यानी e की पावर 1000 बाय टी, इधर बचेगा कितना 10। जब मुझे e को हटाना है, e को हटाना है तो मैं क्या लूंगा, एंटी लॉग, सॉरी लॉग लूंगा, और लॉग कौन सा लूंगा, नेचुरल लॉग, कौन सा नेचुरल लॉग, ln लेंगे ln, तो दोनों तरफ क्या करेंगे ln लेंगे, इधर ln लेंगे तो क्या बचेगा 1000 बाय टी, और इधर ln लेंगे तो क्या आएगा ln 10। अब देखो ये फर्क पड़ जाता है, जो बच्चे log और ln बोलने की आदत अलग अलग डालते हैं ना, वो एक बार में समझ जाएंगे कि यहां पर ln 10 आ रहा है, लेकिन जो log बोलने की आदत डालते हैं वो log 10 करके इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, और जैसे ही आप log 10 करके इसकी वैल्यू को 1 करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये ln 10 है, ठीक है। और ln 10 कितना होता है, 2.303 हो जाता है। तो यहां से जब टेम्परेचर निकालेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2.303, और ये वैल्यू किसमें आएगी, केल्विन में। केमिस्ट्री के अंदर जो भी टेम्परेचर आप निकालते हो बाय डिफॉल्ट वो किसमें होगा, केल्विन के अंदर होगा, ऐसा यूनिट के अंदर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक क्या है, आपको के को इक्वेट करवाना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे दी ln k इक्वल्स टू, या log k कर देते हैं, चलो अब की बार log k इक्वल्स टू 10^5 -2000 बाय टी, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड a एंड ea, फाइंड a एंड ea, ये आपसे बोला गया। अब देखो ये जो अपने पास में इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे बेटा। ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, log k इक्वल टू log a माइनस कितना आ जाएगा ea अपॉन 2.303 r आ जाएगा, बात समझ गए ना, ये निकल करके आ जाएगा। यार इधर तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, एक काम करते हैं इसको 5 ही कर लेते, अदरवाइज तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी ये वाली। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम क्या बोलोगे, 5 इक्वल है किसके, लॉग ए के, 5 इक्वल हो गया किसके, लॉग ए के, एंटी लॉग लेंगे मतलब क्या हो गया 10^ में चला जाएगा ये, तो ए की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी 10^5, पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या करेंगे, खुद साथ साथ में सॉल्व करना, पॉज करके, ये नहीं है कि मैं सॉल्व करा रहा हूं तो बस देखे जा रहे, हाँ ठीक है चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाँ समझने में आ गया, इजी था, हो गया, ये नहीं, क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको पॉज करना है और खुद को सॉल्व करना है, बाद में आंसर को मैच करना है, ये वाला प्रोसेस रुकना ही नहीं चाहिए बेटा थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। अब क्या बोलेंगे यहां से अपन, बहुत सारे बच्चे यहां पर 2.303 लगाना भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पर 2.303 लगाना भूल जाते हैं, आपको 2.303 लगाना याद रखना है। 2.303 कब नहीं आएगा, जब इधर ln आएगा। आप दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या पता चला, 2000 इक्वल्स टू ea अपॉन 2.303 r, यानी ea कितना हो गया, 4.606 इंटू 10^3 r। अब अगर आपसे पूछा गया आंसर निकालो कैलोरी में तो क्या बोलोगे, आर की वैल्यू 2, आपसे बोला गया आंसर निकालो जूल में तो आर की वैल्यू 8.314। आर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है जो आपको याद रखनी है, आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन के अंदर, आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन में, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन में।
तो एक्टिवेशन एनर्जी आपसे किस यूनिट में पूछी गई है उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपसे बोली गई कि यार एक्टिवेशन एनर्जी को आप जूल में या किलो जूल में निकाल करके बताओ, तो किलो जूल बोलेगा तो आर की जगह पर 8.314 तो रखोगे रखोगे, और साथ में क्या करोगे बेटा, 1000 से डिवाइड और करोगे, साथ में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, क्योंकि आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये बन गया। ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ आ जाता है, ग्राफ का स्लोप बता देगा, अपन ने पढ़ा है ग्राफ का स्लोप कितना होता है, ln k वर्सेस 1/T वाला ग्राफ आएगा तो उसका स्लोप होगा -EA/R, और log k वर्सेस 1/T वाला ग्राफ आएगा तो उसका स्लोप कितना होगा, -EA/2.303R हो जाएगा। बात समझ गए ना? ये सिंपल सा इसका लॉजिक है जो अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए रिएक्शन occurs in three steps for which K1 equals to 10 की पावर 10, E की पावर कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो अपन तो यार यहां पे रखते हैं, क्या वैल्यू पुट करें, इसको जनरलाइज कर देते हैं, चलो वैल्यू पुट करने की जगह पर इसको जनरलाइज कर देते हैं। K1 इक्वल्स टू A1 ई की पावर -EA/RT, K2 इक्वल टू A2 ई की पावर -EA2/RT एंड K3 इक्वल्स टू A3 ई की पावर -EA3/RT। If K overall of reaction is K1 K3 by K2, then find EA overall। ये आपको बोला गया, आपको क्या निकालना है, ओवरऑल ईए कैलकुलेट करना है। आपको क्या बताया गया बेटा, K1, K2, K3 तीन रेट कांस्टेंट से हो रही है, मैंने जनरलाइज करने के लिए इसको इस तरीके से लिख दिया। जब न्यूमेरिकल आता है ना तब वो क्या करता है, EA1, EA2, EA3 इन तीनों की वैल्यू देगा खाली, पूरी इक्वेशन की जगह पर वो EA1 बता देगा इतना है, फॉर एग्जाम्पल 100 जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, EA2 बता देगा 200 किलो जूल पर मोल, EA3 बता देगा, ठीक है, और पूछेगा EA ओवरऑल कितना होगा। अगर K ओवरऑल इतना है तो सॉल्व करने का तरीका देखो कितना सिंपल सा है, अगेन केवल कंपैरिजन करना है। आप बोलोगे K ओवरऑल ये क्या दिया हुआ है, K1 K3 by K2, इसको क्या लिखेंगे, A1 e की पावर -EA1/RT, A3 e की पावर -EA3/RT डिवाइडेड बाय A2 e की पावर -EA2/RT। इन सबको अगर रीअरेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, A1 A3 by A2 तो एक साथ आ गया, और e की पावर वाली सारी टर्म्स को कंबाइन कर दो बेटा, तो देखो e की पावर में ये आ गया क्या, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, EA1 प्लस EA3 -EA2 डिवाइडेड बाय RT। देखो माइनस कॉमन लिया तो EA1 प्लस EA3 ये ऊपर लाकर के वैसे प्लस बनता प्लस EA2, लेकिन मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, माइनस का EA2 बन गया। क्लियर है? अब मैं क्या बोलूंगा, K ओवरऑल एक्चुअली क्या हो सकता था, K ओवरऑल होता A ओवरऑल E की पावर -EA/RT, ये होता। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो कंपेयर करने पर क्या पता चल रहा है, -EA/RT बराबर है किसके, -EA1+EA3-EA2 के। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन कंपेयरिंग
ईए ओवरऑल इक्वल्स टू ईए वन प्लस ईए थ्री, और माइनस में क्या आ गया, ईए टू निकल करके आ गया। ईए वन प्लस ईए थ्री और माइनस में क्या आ गया बेटा, ईए टू निकल करके आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर मैंने क्या बताया, वो आपको अलग से ईए वन ईए टू ईए थ्री की वैल्यू दे देगा और ईए ओवरऑल पूछेगा। के ओवरऑल तो देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप कंपेयर ही किससे करोगे। तो जैसे ही कंपेयर करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस वो कई बार लॉजिक कुछ ऐसा बता देता है। वो आपको बोलेगा एट 300 केल्विन के दिया हुआ है आपको 2×10⁻³ सेकेंड इनवर्स। वो बोलेगा एट 310 केल्विन के बताओ अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जीरो। अब ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट बन गया। जैसे ही उसने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जीरो, तो आप खुद फॉर्मूले के हिसाब से सोचो अब क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आप बोलोगे लॉग K2/K1 ये होता है ईए अपॉन 2.303 R T2-T1 T1 T2। अगर ईए हो गया जीरो, अगर ईए हो गया जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया जीरो, और ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये इधर क्या हो गया लॉग वन, क्योंकि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और ये वन कब बनेगा, जब के वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू। तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस ईए इक्वल टू जीरो सो के वन इक्वल टू के टू। इसका मतलब जो के टू है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2×10⁻³ निकल करके आ गई, किसमें, सेकेंड इनवर्स में। क्या इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को मैं एक छोटे से फॉर्म में बोल सकता हूं क्या आपको, कि इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली क्या हुआ, कि अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है तो उसका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है तो उसका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस अपन ने पढ़ी है, अपन ने बोला है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, लेकिन वो कब था, साथ साथ में अपन ने एक बात और लिखी थी कि ईए इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यूजुअली तो ईए पॉजिटिव होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली इस क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया, ईए कितना हो गया, जीरो। अगर ईए जीरो हो गया तो आपसे पूछा गया बताओ K1 इतना था, K2 कितना होगा, टेम्परेचर चेंज कर दिया गया। ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो बोलते हैं 10 डिग्री का राइज आ गया, म्यू दिया हुआ है नहीं, तो वो म्यू को 2 मान लेते, तो बोलते 10 के राइज पर रेट म्यू टाइम्स हो जाती है, यानी के भी म्यू टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, और बच्चे इसका आंसर बेटा डबल करके आ जाते हैं, जबकि आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है ना, तो उस पर ध्यान देना जरूर से, फिर बिना एक्टिवेशन एनर्जी के म्यू काम में लेना ही नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी को देख करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो, तो इस कंडीशन में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इन सच केस रेट कॉन्स्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। जो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये क्या बता रहा है आपको, ये बोल रहा है फॉर ए पैरेलल रिएक्शन, रिएक्शन कुछ ऐसी दे रखी है बेटा, ए से बी ए से सी, इसका कांस्टेंट है के वन, एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए वन, इसका कांस्टेंट है के टू, एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए टू। ये के वन ई ए वन है और ये क्या है, के टू ई ए टू है। आपको बोला गया प्रूव दैट के नेट इक्वल टू, सॉरी के नेट नहीं, ईए नेट इक्वल टू, ईए नेट इक्वल्स टू के वन ईए वन प्लस के टू ईए टू
डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये प्रूव करना है। तो ये आप मान सकते हो कि एक तरीके से आप लोगों के लिए तो होमवर्क हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको दिमाग लगा के प्रूव करना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, हिंट क्या है आपके पास में, हिंट ये है बेटा, फॉर पैरेलल रिएक्शन, आप अपन ने पढ़ा हुआ है पहले, के नेट कितना होता है, K1 प्लस K2 होता है। किसी भी पैरेलल रिएक्शन के लिए जो के नेट होता है वो कितना होता है, K1 प्लस K2, ये हिंट हो गया आपके लिए। अगर आप इस इक्वेशन को काम में लोगे तो आप इस डेरिवेशन तक पहुंच जाओगे, और इस डेरिवेशन तक पहुंच जाओ तब ये फॉर्मूला सीधे याद रख लेना, ये फॉर्मूला सीधे याद रख लेना। याद क्यों रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला सीधे सीधे पैरेलल रिएक्शन की नेट एक्टिवेशन एनर्जी निकालने में काम में आता है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देगा, K1 देगा, E1 देगा, K2 देगा, E2 देगा, आपसे पूछेगा K नेट निकाल करके बताओ, तो बेटा K नेट को बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकालोगे आप, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ये आपको प्रूव करके बताना है या डिराइव करना है, आप तो ये छोड़ दो भाई, आपको प्रूव करना है, आपको तो डिराइव करना है, ऐसा होता है, ठीक है। हिंट मैंने आपको बता दिया, हिंट मैंने आपको बता दिया, हिंट के अंदर एक लाइन और ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप सबकी वैल्यू पुट कर देना, सबकी वैल्यू पुट कर देना, के नेट की जगह पर क्या लिखोगे, ए नेट ई की पावर माइनस ए नेट अपॉन आर टी, K1 की जगह पर A1 ई की पावर माइनस A1 बाय आर टी, और K2 की जगह पर A2 ई की पावर माइनस A2 बाय आर टी, और उसके बाद में उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इससे बड़ा हिंट और कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, हल्का फुल्का वहां पर वैल्यू को आपको अरेंज करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके लेकर के आना है, मैंने अब सब कुछ बता दिया, खुद के लेवल पर हो जाना चाहिए फॉर्मूला, वैल्यू पुट करके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, रीअरेंज करोगे, कॉमन चीजों को काट दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा, जिसका नाम क्या होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है कोलिजन थ्योरी। अब अपन बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, अब कोलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, कोलिजन थ्योरी बेटा बेसिकली रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्जन एक्सप्लेन करती है, किस तरीके से रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अपने को ये पता है कि रिएक्टेंट का अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलिजन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो कोलिजन परफॉर्म करेंगे तब उनको सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर के उनका कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट के अंदर हो पाएगा। ऐसा नहीं है बेटा कि जितने भी कोलिजन होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपने को यहां पर कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि यार वो कौन कौन से बैरियर्स है अपने पास में, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर पास कर गए तो फिर उनका कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट के अंदर हो जाएगा। यहां पर अपन इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा कोलिजन थ्योरी के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बट ईच कोलिजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स have to cross
टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच आर, कौन कौन से है? फर्स्ट आता है बेटा अपने पास में एनर्जी बैरियर, फर्स्ट आ गया एनर्जी बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां पर अपने पास में ये तो हो गई डेटम लाइन, डेटम लाइन का मतलब ग्राउंड लाइन हो गई जहां पर एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो ये तो हो गई एनर्जी इक्वल टू जीरो वाली लाइन, ठीक है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। इसको नाम दे देते हैं अपन ईटी का। ईटी का मतलब होता है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताएंगे अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब हो गया इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर इतनी एनर्जी होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना लेंगे। यहां पर अगर वो पहुंच गए तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं और उस इंटरमीडिएट का नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से वो इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर वो यहीं नहीं पहुंच पा रहे तो फिर वो प्रोडक्ट बनाना तो दूर की बात है बेटा, इंटरमीडिएट भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी तो एसोसिएट होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी तो होगी ही होगी। तो ये वो एनर्जी हो गई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, इसको नाम दिया जाता है ER। ER का मतलब क्या हो गया? एनर्जी एसोसिएटेड विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या आप इसको बोल सकते हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये वो टोटल एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में होनी ही होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अपन क्या बोलेंगे कि अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो इनको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। कितना? ये वाला, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन सप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ गए ना? तो इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं, ईटी इक्वल हो गया बेटा किसके? ईए प्लस ईआर के। और ईए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ईए हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ईए अगर पॉजिटिव है तो ईटी बड़ा हो गया किससे? ER से। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा ही होती है। तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो ईए जीरो हो गया, ईए जीरो हो गया तो ईटी इक्वल हो गया किसके? ER के। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो क्यों एग्जिस्ट करेंगे फिर? फिर तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना करके एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मिनिमम टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी का नाम तो ईटी था। और ER क्या है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट्स के पास में ऑलरेडी ईटी है, इसका मतलब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले है। क्लियर? अब यहां से अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भाई, ईए की डेफिनेशन क्या है। तो ईए और ईटी इन दोनों के बारे में बात करते हैं बेटा। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं ईटी की। ईटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज मिनिमम टोटल एनर्जी That must be associated with reactant molecules to form activated complex. कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है अभी तक। अगर इनके पास में ईटी है तो भी ये प्रोडक्ट बना सके ऐसा कंपल्शन नहीं है बेटा। तो आप कभी भी ये मत बोलना प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए इतनी मिनिमम टोटल एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में होनी चाहिए थी। ईए क्या हो जाएगा? ईए का मतलब क्या है? ईए हो गई, इट इज defined as additional energy
रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, वो कौन सी होती है बेटा, ई, उसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो ईटी और ईए का लॉजिक अपने को अब समझने में आ गया। अब अपन क्या बोलेंगे कि खाली एनर्जी होना जरूरी नहीं है, एनर्जी होने के बाद में भी उनको कुछ एक दूसरा बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और वो जो दूसरा बैरियर है उसका नाम होता है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर। तो सेकंड बैरियर आ गया अपने पास में ओरिएंटेशन बैरियर। यहां क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नॉट नेसेसरली कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स एज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, कोलिजन के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो आपके पास में है ना दो रिएक्टेंट है NO और O3। पहले तो मैं सिंपल सी एक रिएक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। देखो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, NO और O3 इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, NO2 और O2 बनने वाला है। मैं ये मानकर के चल रहा हूं कि यहां जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरे पास में है वो फर्स्ट बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, यानी उनके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी लायक एनर्जी तो है। अब अपने को चेक क्या करना है, ओरिएंटेशन को चेक करना है। तो यहां पर देखो बेटा NO, ये रहा NO, NO कोलिजन परफॉर्म करने वाला है किसके साथ में, O3 के साथ में। ये आ गया O3 ओजोन के साथ में। जब आप इनका कोलिजन परफॉर्म करवाओगे तो कोलिजन के यहां पर दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कि NO का ऑक्सीजन O3 के ऑक्सीजन के साथ में कोलिजन परफॉर्म करे, मतलब कुछ इस तरीके से, यहां आ गया N, यहां आ गया O, और ये कोलिजन परफॉर्म कर रहा है किसके साथ में, ओजोन के ऑक्सीजन के साथ में। दूसरा तरीका बेटा क्या हो सकता था, दूसरा तरीका कुछ ऐसा हो सकता था कि ये ओजोन मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन कोलिजन परफॉर्म कर रहा है किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, NO के नाइट्रोजन के साथ में। आप देखो यहां बन क्या रहा है प्रोडक्ट NO2। अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO2 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है बेटा ये वाला, इसका मतलब नाइट्रोजन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ये जो दोनों स्पीशीज बनी ना, ये दोनों की दोनों स्पीशीज, इनको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इनका नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनाने वाला है, प्रोडक्ट। लेकिन कब बनाने वाला है, जब कोलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा। आप यहां चेक करो, नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन एक ही तरफ आ गए, जबकि यहां नाइट्रोजन के लेफ्ट में भी ऑक्सीजन आ रहा है, राइट में भी ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये बेटा यहां से टूट जाएगा ये वाला, और ये बनाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, प्रोडक्ट बन गया ONO
और साथ में क्या बन गया O2। जबकि ये वाला जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसका ओरिएंटेशन इंप्रॉपर था तो ये साथ के साथ बेटा वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में। ये वापस से NO और O3 की फॉर्म में ही टूट जाएगा क्योंकि इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो अपन ने यहां से एक बात समझ ली, क्या अगर मैंने आपको ये बोला, ढंग से सुनना मेरी बात को, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज को बेटा ढंग से सुनना। अगर मैंने आपको बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स छोड़ो, एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आप बोलोगे यार जरूरी नहीं है, अगर यह स्टेटमेंट ऐसा होता कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी मे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो यह करेक्ट है। यानी ओरिएंटेशन बैरियर आपको कब चेक करना है, जब उन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया हो। अगर उन्होंने एनर्जी बैरियर ही क्रॉस नहीं किया तो फिर वो एक्टिवेटेड, मतलब यहां पर ओरिएंटेशन बैरियर को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये वाला बैरियर केवल कब चेक होगा, जब एनर्जी बैरियर चेक हो चुका है। एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया तो ये सेकेंड बैरियर है, ये फर्स्ट बैरियर नहीं है बेटा, क्योंकि ये कोलिजन होकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही कब बनेगा, जब इनके पास में सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। ये पॉइंट्स क्या क्या है देखो, सबसे पहले आता है अपने पास में नोट नंबर वन। नोट नंबर वन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज हाईली अनस्टेबल। ये बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है, ये हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। बना या तो प्रोडक्ट में बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है घूम रहा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन करके, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, इट हैज वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसमें वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं, हर अनस्टेबल चीज के अंदर होते हैं। इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है डेल्टा एफ एच, और ये होती है पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के पॉजिटिव होने के पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, अगर आप किसी सब्सटेंस को बना रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी तब पड़ेगी जब वो अनस्टेबल है। अगर वो स्टेबल होता तो वो खुद ही बन जाता और बदले में आपको एनर्जी देकर के और जाता। नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है अपने आप बन रही है, नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूं, वो खुद बन गई और बदले में अपने को क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को बनाने में अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है, पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस कैसा, एंडोथर्मिक, अगर अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका लॉजिक हो गया कि वो सब्सटेंस कैसा है, अनस्टेबल है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बेटा नोट नंबर टू, मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशियंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन आर कॉल्ड एज इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स या फिर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, जिनके पास में एनर्जी भी प्रॉपर है, ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन भी प्रॉपर है, यानी जो दोनों बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं,
उनको क्या बोला जाता है, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स या फिर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इनको क्या बोलते हैं अपन, ये मॉलिक्यूल ही है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और लास्ट में आता है बेटा नोट नंबर 3, जो एग्जाम के अंदर आने वाला वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, जेई मेन में आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है और वेरियस स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है। वो बोलता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। अपने को टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से कोई मतलब नहीं होता, अपने को मतलब किससे होता है, इफेक्टिव कोलिजन से, क्योंकि प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होती है बेटा, इफेक्टिव कोलिजन होती है, ठीक है। तो अपन यहां लिख देते हैं बेटा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जनरली increases due to increase in, due to किस चीज में increase कह रहे हैं, due to increase in fraction of effective molecules and effective कोलिजन्स। रीजन क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है या फिर इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इस कारण से क्या होती है, रेट इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपन ने कोलिजन थ्योरी का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है बेसिकली यही होता है इसके अंदर, वो अपन ने समझ लिया। अब अपने को क्या करना है बेटा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से देखा जा सकता है, उसके लिए अपन प्रोसेस समझेंगे। एक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक, और अभी फिलहाल के लिए अपन रिवर्सिबल रिएक्शंस को लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर अब देखने वाले हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहली बात बेटा, किसी भी रिएक्शन की जो एनर्जी आप निकालते हो उसको बोलते हैं डेल्टा एच, और उसका फॉर्मूला होता है ईपी माइनस ईआर, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। ईपी माइनस ईआर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ईपी माइनस ईआर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि ईपी बड़ा होता है यहां किससे, ईआर से। तो जो आप ग्राफ प्लॉट करने वाले हो उस ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में इस साइड में तो ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इस साइड में ले लिया जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपके पास में पहले कौन होंगे, रिएक्टेंट, बाद में होंगे प्रोडक्ट। तो इस एक्स एक्सिस पर पहले रिएक्टेंट आने चाहिए, बाद में कौन आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहले रिएक्टेंट आने वाला है, पहले अगर अपन रिएक्टेंट के लिए लाइन बनाए तो अपन बोलेंगे बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी कम होनी चाहिए किससे, प्रोडक्ट से। तो यहां पर अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कुछ यहां पर होने चाहिए, मतलब अगर ये डिफरेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला जो डिफरेंस है, मतलब ग्राउंड से मेजरमेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ईपी माइनस ईआर, वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, डेल्टा एच को। इनका जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, डेल्टा एच को। अब आप सोचो रिएक्टेंट आपके पास में है, आपको कहां तक जाना है, प्रोडक्ट तक जाना है, सीधे तो जा नहीं सकते।
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पहले बीच में क्या बनाना पड़ता है, इंटरमीडिएट, जिसका नाम क्या होता है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आप पहले क्या बनाओगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाओगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा इस लेवल पर। ये जो लेवल है, इस लेवल का अगर आप ग्राउंड से मेजरमेंट करते हो, कोई दूसरा कलर चूज करते हो, ये कर लेते हैं, ग्राउंड से अगर आप मेजरमेंट करते हो तो ये मेजरमेंट क्या कहलाता है, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां तक आपको जाना है। इसमें से ईआर आपके पास में ऑलरेडी है, ईआर आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपको कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होने वाला है, इतना। इसको क्या नाम देंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो क्या हुआ, ग्राफ अपन प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ बनाते टाइम पर अपने को क्या ध्यान देना है कि ग्राफ में स्टार्ट हुआ यहां से मामला, रिएक्टेंट से आपने उनको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, वो चले गए ऊपर, यहां यहां जब वो गए तो उन्होंने क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो इन्होंने चेक किया कोलिजन का ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर था तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में, और अगर नहीं था तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट के अंदर। अब क्योंकि मैंने लिखा है क्या, रिवर्सिबल, तो अभी मैं रिएक्शन को कहां लेके गया, फॉरवर्ड, तो जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी थी मैंने इसको नाम दे दिया बेटा ईए फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को मुझे वापस से बैकवर्ड लेकर के आना होता तो ये रिएक्टेंट होते और इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ती, बात समझ गए, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ती, इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं अपन, ईएबी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस डेल्टा एच को देखो, क्या डेल्टा एच को ईएफ माइनस ईएबी भी बोल सकते हैं क्या, देखो एक बार, ईपी माइनस ईआर तो था ही था, क्या इसको अपन ईएफ माइनस ईएबी भी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना। तो यहां पर जो डेल्टा एच है उसका एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, ईएफ माइनस ईएबी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये कैसा है, पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या लॉजिक निकला कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी बेटा किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, बात समझ गए ना। ये अपने पास में ग्राफ बन गया किसके लिए, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर मैं सेम ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाता तो तुमको ये ग्राफ बेटा रफ में बना करके चेक करना है भाई कैसा बनता, पॉज कर देना, रफ में बना करके चेक करना, फिर मैं तुमको रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाता हुआ दिख जाऊंगा। तो नेक्स्ट आ गया अपने पास में मैकेनिज्म फॉर रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच होता है नेगेटिव, यानी ईपी माइनस ईआर होता है नेगेटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। यहां प्लॉट करने वाले हैं अपन ग्राफ, इधर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी भी बोल सकते हो आपकी इच्छा पर है। इधर क्या आता है, वही सेम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, या आप चाहो तो इसको रिएक्शन प्रोग्रेस भी बोल सकते हो। ग्राफ कुछ इस टाइप का बनाना पड़ेगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा बनानी पड़ेगी, और ये जो डिफरेंस है डेल्टा एच होगा, ये एनर्जी ईआर, ये एनर्जी ईपी, ये एनर्जी ईटी, ईटी तक पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ इसका कुछ ऐसा बना देते हैं, ये ग्राफ आ गया।
यहां से यहां तक का वो ईटी है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, तो अलग से भी लिख सकते हो आप चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा पर है। ये जो डिफरेंस है ये वाला, येलो से ही बना देते हैं इसको, ऑरेंज से बना देते हैं। चलो ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ई एफ। ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ई ए बी। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ई एफ माइनस ई ए बी। क्या बनेगा, ई एफ माइनस ई ए बी बन जाएगा। फॉर्मूला सेम रहा, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहां पर जो ई एफ है वो कम आने वाला है बेटा, किससे, ई ए बी से। यहां पर जो ई एफ है वो कम आएगा किससे, ई ए बी से। क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया किस बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। इसका यूज क्या आता है, एक तो न्यूमेरिकल में यूज आता है, डेल्टा एच देता है, ई एफ देता है, ई ए बी पूछ लेता है। मतलब इन तीन चीजों में से कोई सी दो देकर के तीसरी आपसे पूछ लेगा, एक यूज तो ये आ जाता है। दूसरा बेटा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के अंदर वो बोलता है बताओ कैसे बनाना है, किसमें पूछेगा, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के अंदर। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि एक रिएक्शन है यार तुम्हारे पास में ए प्लस बी या ए प्लस टू बी प्लस सी से बन रहा है क्या पी। आपको बोला गया कि यहां पर पहले स्टेप में ए प्लस बी से बना एक्स, दूसरे स्टेप में बी प्लस एक्स या सी प्लस एक्स ले लेते हैं, इससे बना वाई, और तीसरे स्टेप में वाई प्लस बी से बना पी, और सेकेंड रिएक्शन में लिख दिया स्लो। वो बोलेगा बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बेटा ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, देखो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लो का मतलब जिसका के मिनिमम होगा, और जिसके लिए के मिनिमम होता है उसके लिए ई ए मैक्सिमम होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। जिसका के मिनिमम होता है उसका ई ए क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाना है, अपन बस रफ ग्राफ प्लॉट कर रहे। एक अपने को ये पता है कि सबसे पहले तो कितनी रिएक्शन हो रही है, तीन, इसका मतलब तीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कितने बनेंगे, तीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और दूसरी बात अपने को क्या पता है, ये बोल दिया इसने कि यार ये रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है, बहुत ही बढ़िया, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ऐसा बनने वाला है कुछ ग्राफ। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन। यहां से स्टार्ट किया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सेकंड वाले के बारे में अपने को क्या पता होना चाहिए था कि जो सेकंड वाला पीक है ना वो सबसे ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड वाली रिएक्शन कैसी है, स्लो, स्लोएस्ट। स्लोएस्ट का मतलब जिसका के क्या होगा, मिनिमम, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, जिसका के मिनिमम की जगह पर क्या बोल सकते हैं, जिसका ई ए क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में बेटा इस ग्राफ में पीक कितने आए, पीक तीन, एक दो और तीन। तो मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पर नंबर ऑफ पीक्स, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, और वैली कितनी बनी, वैली मतलब घाटियां, ये रही दो बन गई वैली, अपोजिट हो गया पीक का। यहां कितने हो गए, तीन, और नंबर ऑफ वैली यानी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, और ये बनेंगे दो। इंटरमीडिएट कितने, दो, कैसे, यहां बन रहा है एक्स, यहां बन रहा है वाई। तो पहले स्टेप से बना एक्स, दूसरे से बना कौन, वाई, ये कौन हो गए अपने, इंटरमीडिएट्स हो गए। तो ये ग्राफ के थ्रू मैंने इस पूरे के पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने क्या देखा, अगर कोई सी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उस ग्राफ के अंदर पीक्स कितने होंगे, जितने मैकेनिज्म में इन्वॉल्व स्टेप्स है, ठीक है, और वैलीज कितनी होगी, जितने मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट वो प्रोड्यूस कर रहा है। जितने अपने पास में इंटरमीडिएट्स आ गए उतने ही बेटा क्या होने वाले, यहां पर वैलीज बनने वाली। क्लियर, तो ये देख लिया अपन ने कोलिजन थ्योरी। अब बेसिकली अपने को क्या चेक करना है, अब चेक करना है अपने को कि यहां पर कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट डाल सकते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे।
तो देखो बात करते हैं अपन बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल सिंपल से इजी इजी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी है। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करता है? पूरी की पूरी आरहेनियस इक्वेशन पढ़ ली अब तो अपन ने, तो वहां से क्लियरली अपन जानते हैं क्या कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो क्या होगा, आर बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर आ जाएगा फिर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे? रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन की पावर एन के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली रेट पे डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर मान लो वो हो गई तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, रेट इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर आ गया अपने पास में थर्ड। ये वाला फैक्टर क्या हो गया? प्रेशर। प्रेशर बेटा कब इफेक्ट डालेगा? जब गैसेस स्पीशीज है तब। अगर आपके पास में एक्वा स्पीशीज है तो वहां प्रेशर वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की जगह पर एक्टिव मास क्या बन गया? प्रेशर बन गया। ऑर्डर क्या चल रहा है? एन। और ये केवल और केवल किसके लिए है? फॉर गैस। ये किसके लिए चल सकता है? ये गैस के लिए भी चल सकता है और एक्वा स्पीशीज के लिए भी चल सकता है। फोर्थ फैक्टर आ जाता है फिर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है कि सॉलिड कोल के कंपैरिजन के अंदर जो पाउडर्ड कोल है वो फास्ट बर्न होगा बेटा। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया किसके? सरफेस एरिया के। अगर आप किसी चीज के टुकड़े कर दोगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे आप खुद सोचो, आपके पास में एक सॉलिड है कुछ और आपने इसको बीच में से तोड़ दिया तो दो नए सर्फेसेस डेवलप हो गए ना, एक इसका और एक इसका, ये अंदर वाले नए सर्फेसेस डेवलप हो गए तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा टुकड़े करोगे सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब ये वाला फैक्टर किसके लिए काम में आएगा बेटा? सॉलिड्स के लिए काम में आएगा, फॉर सॉलिड्स। चार फैक्टर देख लिए अपन ने, नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं अपन। फिफ्थ फैक्टर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे डालेगा? यूजुअली अगर कोई रिएक्शन है जिसमें सारी की सारी स्पीशीज गैस फेज में है तो बेटा गैसेस की मिक्सिंग की टेंडेंसी होगी वो एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ज्यादा होगी। यानी गैस फेज रिएक्शन है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में फास्ट होगी। सिमिलरली लिक्विड फेज रिएक्शन है वो सॉलिड फेज रिएक्शन के कंपैरिजन में फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फिर अपने पास में बॉन्ड ऑर्डर। अब सोचो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसको तोड़ने में टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा, और टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो रेट कम हो जाएगी। यानी रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। एग्जांपल देखिए, मान लो एक ले लिया अपन ने एनओ, एक ले लिया सीओ। एनओ की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा के बना दिया क्या? एनओ टू। और सीओ की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा के बना दिया क्या? सीओ टू। इसकी रेट है आर वन, इसकी रेट है आर टू। आपसे पूछा गया बताओ आर वन ज्यादा होगा या आर टू ज्यादा होगा, तो बॉन्डिंग के बेसिस पे जानते हैं अपन। यहां पर सीओ में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और एनओ के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं एमओटी से तो कितना आता है? 2.5 निकल करके आता है। इधर 2.5 है, इधर 3 है, तो क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कम कहां पर है? एनओ में बॉन्ड ऑर्डर कम है। बॉन्ड ऑर्डर कम है मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम कंपेरेटिवली कम लगेगा। यानी यहां क्या बोलेंगे अपन? आर वन ज्यादा हो गया है किससे? आर टू से। आर वन ग्रेटर हो गया किससे? आर टू से। कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट फैक्टर आता है अपने पास में 7th, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल आई से, और ये बेटा केवल और केवल काम में आएगा फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
ये केवल काम में किसमें आएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ही काम में आ सकता है। क्या बोलेंगे, आर प्रोपोर्शनल किसके, आई के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो होती है इंटेंसिटी। तो आर प्रोपोर्शनल टू आई, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा रेट उतनी ही ज्यादा। आर इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट लग जाता है फाई, और ये जो फाई होता है इस फाई को बोला जाता है क्वांटम यील्ड। फाई को क्या बोलेंगे अपन, क्वांटम यील्ड। और क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है कि आपने कितने फोटोन डाले, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट। वही बेटा सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है ये वाला, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, जहां पर आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते थे उसी वाला पार्ट हो गया ये। और ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने फोटोन आपने डाले थे। और फाई हमेशा लेस देन वन ही होगा, बहुत ही बढ़िया केस हो गया तुम्हारा कोई सा, तो इक्वल टू वन हो जाएगा, लेकिन वन से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, क्लियर। और लास्ट फैक्टर आता है फिर अपने पास में एट्थ नंबर, जो है कैटलिस्ट। ये क्या हो गया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये क्या करेगा बेटा, रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा। और ये जो ऑल्टरनेटिव पाथ होगा ना अपना, ये ऑल्टरनेटिव पाथ का मतलब हो गया कि डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी मिलने वाली है अब आपको। हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा मिल जाए। यूजुअली कैटलिस्ट लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ए पॉजिटिव कैटलिस्ट decreases required activation energy, so rate increases, rate क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। graphically समझो, graphically यहां पर ले लिया अपन ने potential energy को और यहां ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। एक कोई रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, मान लो रिएक्शन इस तरीके से हो रही है बेटा। ये जो अपने पास में लेवल है, ये लेवल क्या हो गया, ईटी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कितनी है, ईए। अब मान लो आपने क्या किया, आपने इसमें कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट बेटा, पॉजिटिव मिलाओ चाहे नेगेटिव मिलाओ, एक चीज तो पक्की है कि कैटलिस्ट मिलाने से ना रिएक्टेंट चेंज होता है ना प्रोडक्ट चेंज होता है, केवल रिएक्शन का पाथ चेंज होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट रिएक्शन की वो रहने वाली है। तो ग्राफ है ना कुछ ऐसा आ जाता है, यहीं से स्टार्ट होगा, बस कोई ऑल्टरनेटिव पाथ बीच में से चूज कर लेगा और फिर इसी में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो अपने पास में एक्टिवेशन एनर्जी मिली अपने को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैसी है, ये डैश। कब, जब कैटलिस्ट कैसा है, पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया होता तो ये नीचे आने की जगह कहां चला जाता, ऊपर चला जाता। तो कैटलिस्ट का यूज क्या था, कैटलिस्ट क्या कर रहा था, यहां पर कैटलिस्ट को मिलाने से उसने केवल और केवल ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाया, उसने और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। अगर ये पहले ER था तो बाद में भी ये का ये ER रहेगा और ये बाद में भी EP का EP रहेगा। लॉजिक क्लियर। दूसरी बात बेटा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S, ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, अनचेंज्ड। क्यों,
क्योंकि ये जो होते हैं ना एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये स्टेट फंक्शंस होते हैं। स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जिनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पाथ में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए इनकी वैल्यूज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारी की सारी चीजें कैसी रहेगी बेटा? अनचेंज रहेगी। ठीक है, अब यहां पर अपन थोड़ा न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करते हैं, भाई न्यूमेरिकल कैटलिस्ट पर क्या बनता है। तो देखो, अपन ये मान लेते हैं पहले इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एल एन के कौन सा वाला बेटा? अनकैटलाइज्ड वाला, इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी वन, ये बोल दिया अपन ने। ठीक है, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर वन। मैं ये मान करके चल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए कि हो सकता है टेम्परेचर वेरी कर रहा हो। मैंने क्या मान लिया कि हो सकता है टेम्परेचर वेरी कर रहा हो। अब अगर मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा बेटा? एल एन के कैटलाइज्ड इक्वल्स टू एल एन ए, और कैटलिस्ट के एडिशन से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई, वो कितनी हो गई? ई ए डैश। टेम्परेचर भी हो सकता है, मान लो अपन ने चेंज कर दिया तो टेम्परेचर को एक बार के लिए उधर टी वन किया था, तो यहां क्या कर दिया? टी टू कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन थी, ये इक्वेशन नंबर टू निकल करके आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अपने को सोचना है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, देन, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? एल एन के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड इक्वल टू, मतलब मैंने क्या किया है? टू में से वन को सब्ट्रैक्ट किया है बेटा, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो एल एन ए से एल एन ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो टी वन इक्वल टू टी टू, और दोनों को क्या मान लिया मैंने? टी मान लिया, तो इधर क्या आ जाएगा? ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। एक न्यूमेरिकल तो बेटा यही बन जाता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट है। जब टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और डल जाती है, ये तो मैं दे देता हूं कंडीशन नंबर वन, इसमें एक कंडीशन नंबर टू और डल जाएगी बेटा। ये कंडीशन नंबर टू क्या होगी? वो कई बार बोलता है कि यार टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की रेट सेम है, मतलब कैटलिस्ट था और कैटलिस्ट नहीं था, दोनों कंडीशन में रेट सेम है, टेम्परेचर वेरी कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं? इफ आर कैटलाइज्ड इक्वल टू आर अनकैटलाइज्ड, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब टेम्परेचर डिफरेंट हो। तो इसका मतलब के कैटलाइज्ड इक्वल्स टू के अनकैटलाइज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला? K इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? A e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए दोनों जगह सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ई ए बचेगा और T बचेगा। क्या क्या बचेगा? E और T, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एब्सेंस में ई ए तो चेंज हो गई होगा, टेम्परेचर ऑप्शनल था बेटा। तो अगर आप सोचो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर करवाओ, एल एन के कैटलाइज और एल एन के अनकैटलाइज को बराबर करवाओ, तो एल एन ए से एल एन ए कैंसिल, ई ए बाय टी वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई ए डैश बाय टी टू, ई ए डैश बाय टी टू इक्वल टू ई ए बाय टी वन। ये वो कंडीशन हो गई जब आपको क्या बोला गया? जब आपको बोला गया कि यार रिएक्शन की जो रेट है ना, रिएक्शन की रेट क्या है? सेम है। रिएक्शन की रेट क्या है? सेम है, बस टेम्परेचर वेरी कर रहे थे अपन। तो वो क्या बोलता है? क्वेश्चन कैसा आता है? वो बोलता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस के कंपैरिजन में 3/4 रह गई। यहां पर अगर ई ए है तो ये कितनी हो गई? 3/4 ऑफ ई ए। वो बोलता है यहां अगर टेम्परेचर 200 केल्विन था तो बताओ वहां टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, इक्वेट करा दिया, काम हो गया। कंडीशन क्या?
वो बोलता है कि आर कैटलाइज बराबर है किसके, आर अनकैटलाइज के, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एब्सेंस में जो रिएक्शन है वो सेम रेट के साथ में चल रही है। क्लियर बेटा? तो ये केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन अपना खत्म होता है। अब इस केमिकल काइनेटिक्स के पोर्शन के बाद में अपना काम क्या रहेगा? एक तो अपन ने आज की क्लास में क्या क्या चीजों को देखा उनके बारे में बात कर ले अपन। आज की जो क्लास है उस क्लास में अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया बेटा? न्यूमेरिकल किए, किस पर बेस्ड? आरएनएस इक्वेशन पर बेस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो था। फिर अपन ने कोलिजन थ्योरी को पढ़ा। कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या पढ़ा? कोलिजन थ्योरी में पढ़ा कि यार रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है ना तो उसको दो टाइप के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और वो दो बैरियर्स कौन कौन से थे? एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। पहले किसको करेगा? पहले करेगा एनर्जी बैरियर को। एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तब जाकर के ओरिएंटेशन बैरियर चेक होगा। अगर दोनों ही क्रॉस कर लिया तो प्रोडक्ट बना देगा, अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो वापस से रिएक्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाईली अनस्टेबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं और उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रिएक्शन की रेट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, या बोल सकते हो आप इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। फिर आपने देखे क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, और ये जो फैक्टर्स थे इनके नाम क्या क्या था बेटा? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, सरफेस एरिया, फिजिकल स्टेट, बॉन्ड ऑर्डर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और फाइनली अपन ने क्या देखा? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने रेट कांस्टेंट को कैसे अफेक्ट किया? कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कैटलिस्ट का खुद का नेचर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स के बाद में अपने को क्या करना है? अपने को केमिकल काइनेटिक्स का ही एक दूसरा पोर्शन होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेसिकली वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेटा एक लेक्चर का सिंपल सा टॉपिक है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई एडवांस में खूब आते हैं, खास तौर से मेन में भी आते हैं, एडवांस में खूब सारे आते हैं। तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है।